एक बार फिर से आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुपदी व्यंजकों का योग घटाव गुणा भाग। दोस्तों ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन, बस आप यहां पर बने रहिए। देखिए दोस्तों अब तक हम लोगों ने चर अचर बीजी व्यंजक क्या होता है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा सजाती क्या होता है, विजाती पद क्या होता है, दोस्तों उसका जोड़ घटाव भी पढ़े थे। लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुपदी व्यंजकों का योग घटा गुणा भाग। ठीक है दोस्तों ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन। आइए देखिए इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये बात समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए दो प्लस है, ठीक है, दोनों का चेहरा समान है और यहाँ पे दोस्तों दोनों क्या माइनस है, दोनों का चेहरा क्या है समान है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों माइनस लिखेंगे। ठीक है अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है और यहाँ पे दोस्तों माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, दोनों का चेहरा दोस्तों अलग अलग जब होगा तो देखिए अब यहाँ पे चिन्ह आप कौन सा लगाएंगे, जो बड़ा होगा उसका लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर बड़ा प्लस होगा तो दोस्तों प्लस का लगाएंगे और यदि बड़ा माइनस होगा तो क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ठीक है थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3x + 2x, ठीक है तो अब देखिए दोनों क्या है प्लस में है ना, ये भी शुक्ला जी है ये भी शुक्ला जी है, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं कि दोनों जो जोड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या है सजातीय पद है तो यहाँ पे देखिए 5x लिखेंगे लेकिन दोस्तों चिन्ह कौन सा लगाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, लेकिन दोस्तों शुरुआत में प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक है और देखिए मान लीजिए सपोज दैट यही जो है -3x होता और यहाँ पे होता -2x, तो बताइए क्या करते, जवाब में दोस्तों आता -5x होगा। क्यों, क्योंकि हमने आपसे कहा है दोनों आपस में जुड़ जाएगा और दोस्तों चिन्ह क्या लगेगा माइनस का लगेगा। अब देखिए इसी एग्जांपल में देखिए जैसे मान लीजिए हो जाए यहाँ पर -3x और यहाँ पे हो जाए +2x, तो बताइए क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए -3 रुपया है, यहाँ पे 2 रुपया है, दोस्तों जवाब में क्या आएगा यहाँ पर x आएगा लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला है। ठीक है इसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये आ रहा है। ठीक है बस यहाँ पर आपको हम ताबड़तोड़ रिविजन करवा रहे हैं। ठीक है अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर हमने लिखा है 3x और यहाँ पे लिखा है -2x, तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर भी दोस्तों x होगा लेकिन दोस्तों चिन्ह किसका लगा है, -2 वाला या 3 वाला, बताइए। दोस्तों यहाँ पर बड़ा ये है मतलब प्लस का लगेगा तो यहाँ पे दोस्तों प्लस लगेगा लेकिन आगे प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है यहाँ पे जवाब ये हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये सब आ गया होगा। ठीक है दोस्तों यदि कहा जाए तो ये मैथ जो है जो आप लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ये सब दोस्तों 6, 7, 8 का मैथ है। दोस्तों आप जो है उस दौर से गुजर चुके हैं लेकिन दोस्तों आपके बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों फिर मुलाकात करवा दिया। ठीक है दोस्तों मुलाकात नहीं मुलाकात करवा दिया दोस्तों, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से करेंगे ताबड़तोड़ रिवीजन। फिर से हम लोगों को याद आएगी अपने बचपन की बात, जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग दोस्तों 6 में 7 में 8 में थे। ठीक है अब देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, आइए लगाते हैं। बोल रहा है कि इनको और इनको जोड़िए या दोस्तों योग ज्ञात कीजिए। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सवाल को लगाने का कुल कई तरीका होता है दोस्तों, 12 तरीका होता है, लेकिन दोस्तों आप कैसे लगाते हैं ठीक है ये डिपेंड करता है। आप चाहें दोस्तों तो इसको चुटकियों में भी लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों आप लोगों को पेपर में लिखना है तो आप इसको अच्छे ढंग से लिखिए। देखिए दोस्तों हम लोग इसको मान लेंगे PX, ठीक है ये PX मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x² + 2x + 5। आप बोलेंगे इस तरह से बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन आप मुझे ये बताइए, बच्चा जब छोटा होता है या अभी पेट में होता है तभी मम्मी बोलती हैं कि लड़का होगा तो ये नाम अभ्युदय रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, लोग बोलते हैं ना अभी पेट में होता है, तो मतलब कहने का ये है कि चाहे लड़का छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे पेट में हो लेकिन दोस्तों सबका एक नाम होता है, नाम होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर भी इस हेडिंग को क्या नाम दे, यहाँ पर लिख दिया गया PX। ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगला वाला आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे QX। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 5x² - 7x + 5। ठीक है अब इसको हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखिए PX + QX। ठीक है दोनों को जोड़िए, इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x² + 2x + 5, ये हो गया PX का मान हो गया, प्लस बोल रहा है, देखिए प्लस बोले तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 5x² - 7x + 5। ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे शुक्ला जी मिश्रा जी श्रीवास्तव जी को, सबको खोजेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है
थ्री एक्स स्क्वायर, तो आप जो है जरा देखिए उधर की कहीं एक्स स्क्वायर है। हाँ हाँ देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए ये भी प्लस में है और ये भी क्या है प्लस में है। बताओ तीन और पांच कितना होगा, आठ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यक्स है ना, तो यहाँ पर लिखा है टू यक्स और यहाँ पर लिखा है माइनस सेवन यक्स, तो अब बताइए मान क्या होगा, जवाब में आएगा पांच यक्स। लेकिन दोस्तों चिन्ह आप किसका लगाएंगे, जवाब में आएगा बड़े वाले का, यहाँ भी बड़ा कौन है माइनस सेवन है ना, तो जवाब में आएगा माइनस फाइव यक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंक है प्लस फाइव है और यहाँ पर भी दोस्तों प्लस फाइव है, जवाब में हो जाएगा प्लस टेन। लग गया चुटकियों में सवाल, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग जो है आराम से विद्युत लगाइए, लेकिन लगाने का एक तरीका होता है। ठीक है, आप इस तरह से लगाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा और तुरंत जो है नंबर मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि इसको और इसको जोड़िए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे पी एक्स। ठीक है, हम लोग पी एक्स क्यों माने दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यक्स में सब दिया है ना, तो हम मानेंगे पी एक्स। मान लीजिए यहाँ पे दिया होता वाई में तो क्या मानते हैं, पी वाई मानते। ठीक है, आपके ऊपर है, चाहे मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन मान के लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर इसको पूरा उतार लेंगे। ठीक है, तो जवाब में आएगा टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, इतना लिख दिए। अब बताइए क्या करें हम लोग, इसको भी मानेंगे तो यहाँ पे हमने कह दिया ये हो गया क्यू एक्स, तो यहाँ पे लिखिए सेवन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन। मेरे भाई आपको बता दें फिर से कि ये तो किताब में दिया हुआ है ना, आपके पेपर में दिया हुआ है, ये तो हम अपने कॉपी पर लगा रहे हैं ना यहाँ से ना। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, जोड़ना है। हाँ जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखिए पी एक्स प्लस क्यू एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले इसको आराम से पूरा लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, हो गया। अब देखिए प्लस है, प्लस है तो कोई बात नहीं, आराम से जैसे मन करे वैसे पूरा चिन्ह सहित उतार दीजिए। ठीक है, जैसे वैसे ही, कोई छेड़खानी मत करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखा हमने एक्स क्यूब है, अच्छा तो अब हम लोग खोजेंगे कि देखिए कहीं एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, देखिए ये मिल गया। तो देखिए ये है प्लस में और ये भी है प्लस में, लेकिन देखिए ये है दो ठो, ये कितना है सात ठो, तो कितना होगा सात दो नौ, यानी यहाँ पर हो जाएगा नौ एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर है, अब देखिए और होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको उतार देंगे। लेकिन हमने देखा कि नहीं है, यहाँ पर प्लस पांच में है और यहाँ पे कितना है माइनस टू में है। ओ अब क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपके पास पांच रुपया है, दो रुपए का आप टॉफी खा गए, तो कितना बचेगा, तीन बचेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह प्लस का क्यों लगाए, क्योंकि बड़ा वाला ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस सेवन एक्स है, अब देखिए यक्स वाला कहीं है, तो जवाब में आएगा ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, तो जवाब में आएगा दोस्तों सेवन यक्स प्लस थ्री यक्स, कितना हो जाएगा, जवाब में आएगा टेन यक्स। ठीक है, अब देखिए अब अंक की बारी है, तो यहाँ पे लिखा है प्लस टू, यहाँ पे लिखा है प्लस सेवन, तो ये तो बच्चे बच्चे को आता है, जवाब में होगा सात दो नौ। ठीक है, ये आपका आ गया पूरा आंसर। ठीक है, ताबड़तोड़ में दोस्तों लगाते रहिए और आप पढ़ते रहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जोड़ के बाद आता है घटाव। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें से इसको घटाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, वही तो बात दोहराएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा इसको आप उतार लीजिएगा, जवाब में आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और क्यू एक्स का मान कितना होगा मेरे भाई, जवाब में आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर घटाने वाली बात है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स माइनस क्यू एक्स। ठीक है, तो भैया पी एक्स को आराम से यहाँ पे उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री। ठीक है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए, जब माइनस का चिन्ह देंगे ना तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कई लोग हैं, जब कई लोग हैं ना तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक घर में बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, तो जवाब में क्या होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, इतना बात आप हमेशा कीजिएगा, जब भी माइनस चिन्ह दिखाई देगा ऐसा आपको करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह जो होता है चेहरा को बदल देता है। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ये इसको पहले आप यहाँ पे उतार दीजिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री। ठीक है,
अब देखिए आगे क्या है, माइनस है ना, जब माइनस जब अंदर जब जाएगा तो देखिए यहाँ पर प्लस है ना, इसका चेहरा हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि इसका चेहरा क्या हो गया, शक्ल क्या हो गया, बदल गया, जवाब में हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस में है ना, तो जब माइनस माइनस जब लड़ेगा तो चेहरा बदल देगा, जवाब में आएगा प्लस, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, बस सिर्फ यही करना होता है ताबड़तोड़। देखिए अब जब ये जाएगा माइनस टू के पास तो इसका चेहरा क्या माइनस में है ना, तो कहेगा चलिए भैया अपना भी शक्ल बदलिए, जवाब में क्या आएगा प्लस टू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस थ्री एक्स और होगा प्लस टू। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर वही काम, कैसे, यहाँ पर स्क्वायर में है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो जवाब में क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा जवाब में आएगा एक्स स्क्वायर। बताइए चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस की माइनस, नहीं नहीं प्लस वाला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है तो आगे प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है पांच एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या है थ्री एक्स, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा मेरे भाई, जवाब में क्या होगा आठ एक्स, और चिन्ह किसका लगाएंगे प्लस का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पे कितना दो है, जवाब में कितना आएगा पांच। ठीक है, ये भी आपका लग गया ताबड़तोड़ में। दोस्तों देखिए अभी तो हम आपको बता रहे हैं, लास्ट में आपको हम जो है होमवर्क भी देंगे, ताबड़तोड़ आप लगाइएगा। ठीक है, देखिए आपका जो भी किताब है आप अपने किताब से ताबड़तोड़ लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर नियम समझिए, कुछ उदाहरण समझिए, और इस उदाहरण के माध्यम से अपनी किताब में सवालों को ताबड़तोड़ लगाइए। अब देखिए इसको भी समझ लीजिए, छोटा है लेकिन देखिए माइनस प्लस का खेल है। यहाँ पे देखिए लिखा है इस सवाल को जो दिया गया है उसके कोष्ठकों को हटा दीजिए। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर आगे क्या लिखा है माइनस न, अच्छा तो जब अंदर जब जाएगा सबसे मुलाकात जब करेगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए, तो प्लस आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है प्लस लिखा है, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि चेहरा बदल देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये भी प्लस में, अच्छा आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस हो जाएगा, माइनस सी हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप लगाएंगे, हम लगाएंगे बताइए, चलिए हम ही लगाते हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ये माइनस है ना, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी, और ये भी प्लस हो जाएगा, जवाब होगा प्लस सी। मतलब ये हुआ कि माइनस चिन्ह जब अंदर जब जा रहा है तो सबका चेहरा ताबड़तोड़ में बदल दे रहा है। ठीक है मेरे मित्र भाई बंधुओं, आप लोगों को बता दें कि हमारा चैनल अभी नया है, हम चाहें तो अभी और लंबा वीडियो दोस्तों बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब चैनल नया होता है तो लोग ज्यादा वीडियो लंबा नहीं देख पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकिए इस सारे सवालों को आप लगाइएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यहाँ पर घटाव दिया गया है, और यहाँ पे कोष्ठक को हटाने वाला दिया गया है। ठीक है, आप इसको जो है ताबड़तोड़ लगाइएगा, और लगाने के बाद आप जो है अपने किताबों से भी लगाइएगा। ठीक है, और एक बात और, जिनको नहीं लगाने का मन होगा, यदि आपका बेस कमजोर है तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें नहीं होगी आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप इसको लगाइए। लेकिन आपका बेस सही है, आप एक बार समझ लिए, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों का बेस कमजोर है मेरे भाई, आप इसको जरूर लगाइए। एक बात और कहने जा रहे हैं कि यदि आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे 6 में 7 में 8 में, तो उनको भी यह वीडियो दिखाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।